हाय गाइस, आज मैं आपको इस टाइम के 8000 वाले सबसे बेस्ट 5 स्मार्टफोन के बारे में बताऊंगा, जो आपको प्राइसिंग के अकॉर्डिंग सबसे मस्त परफॉर्मेंस देंगे। इन फोन्स में आपको गेमिंग परफॉर्मेंस भी काफी बढ़िया मिलेगी। साथ ही इसके ये सभी फोन्स नॉर्मल डे टू डे यूजेस एंड मल्टीटास्किंग के लिए भी बेस्ट रहेंगे। और गाइस, यहाँ पर आपको 4GB तक की रैम मिल जाएगी, बिग कैपेसिटी वाली 6000mAh की बड़ी बैटरी मिलेगी और करीब 7 इंच जितनी काफी बड़ी डिस्प्ले इन स्मार्टफोन्स में आपको मिल जाएगी। और डिस्प्ले की स्मूथनेस के लिए यहाँ पर आपको 60Hz का रिफ्रेश रेट भी मिल जाएगा। कुल मिलाकर इन पांचों ही फोन्स में आपको ओवरऑल परफॉर्मेंस एक बेस्ट लेवल की मिलेगी। सो गाइस, बिना टाइम को वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल में। पूरी जानकारी के लिए वीडियो में एंड तक जुड़े रहें। अब बात करते हैं फोन्स की, पर यार मैंने इन फोन्स की रैंकिंग नहीं की है, बट यार लास्ट में इन पांचों में से मैं अपने दो बेस्ट स्मार्टफोन के बारे में बताऊंगा। अगर मुझे एक स्मार्टफोन लेना होता 8000 के प्राइस पॉइंट में, तो मैं कौन सा स्मार्टफोन लेता। तो यार अब बात करते हैं फोन्स की, पर यार स्टार्ट करेंगे उन लोगों से जिनको चाइनीज फोन पसंद नहीं आते। मतलब आपको 8000 की प्राइसिंग में एक नॉन चाइनीज फोन चाहिए, तब आप लोगों के लिए है माइक्रोमैक्स IN1B। भाई काफी टाइम से 8000 में एक ही नॉन चाइनीज फोन का ऑप्शन है। अच्छा फोन है भाई, प्लास्टिक का बैक है एंड साइड फ्रेम भी प्लास्टिक के है, एंड यहाँ पर आपको फ्रंट साइड में ग्लास की प्रोटेक्शन मिल जाती है। ये फोन आपको प्योर एंड्रॉइड का एक्सपीरियंस देगा। यहाँ पर आपको 2 SIM और एक अलग से मेमोरी कार्ड का ऑप्शन मिल जाता है। अब बात करते हैं इस स्मार्टफोन के थोपड़े की। यहाँ पर आपको 6.52 इंच की HD+ वाली डिस्प्ले मिलती है। एंड यार कई लोग बोलते हैं कि रिफ्रेश रेट नहीं है इसकी डिस्प्ले के अंदर, तो आप लोगों को गलत फहमी है। इसमें आपको 60Hz का रिफ्रेश रेट दिया हुआ है। भाई डिस्प्ले क्वालिटी इज गुड, प्राइस के हिसाब से साइज एंड क्वालिटी दोनों चीज ठीक है। 5000mAh की बैटरी मिलती है, जिसको चार्ज करने के लिए इसके डिब्बे में आपको 10W का चार्जर मिल जाएगा। एंड ये स्मार्टफोन 10W की चार्जिंग को ही सपोर्ट करता है। सिक्योरिटी की बात करें तो रियर माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर इसमें आपको मिल जाता है, और यहाँ पर आपको 3.5mm का जैक भी दिया हुआ है। परफॉर्मेंस की बात करें तो MediaTek Helio G35 का प्रोसेसर मिलता है, जो इस प्राइस में ठीक माना जाता है। पर यार अगर G70 होता तो और भी ज़्यादा अच्छा रहता, डे टू डे यूजेज में भी काफ़ी ठीक परफॉर्म करेगा। पर यार अगर आप सोच रहे हो कि इससे आपको सुप्रीम लेवल की गेमिंग परफॉर्मेंस मिल जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसमें आप टेम्पल रन जैसे गेम को इजीली खेल पाएंगे। पर यार इस फोन को लेकर मैं आप लोगों को एक बात बताता हूँ, जो आपको किसी ने भी नहीं बताई होगी। जब आप इस स्मार्टफोन से 1 से 2 घंटे तक गेमिंग कर लोगे, तो आपको पीछे की तरफ यानी कि कैमरा के आसपास हीटिंग इशू देखने को मिलेगा। तो वीडियो में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और कैमराज की बात करें, तो इसके बैक में 13MP का प्राइमरी कैमरा है, और इसी के साथ यहाँ पर आपको 2MP का डेप्थ कैमरा मिल जाता है। तो कुल मिलाकर टोटल इसके बैक में आपको 2 कैमरे मिलते हैं, और फ्रंट में आपको 8MP का सेल्फी कैमरा मिल जाएगा। कैमरा क्वालिटी डिसेंट है, जैसी 8000 वाले फोन की होती है, स्पेशली 8MP का सेल्फी कैमरा, जिससे आप वीडियो कॉल्स में भी अच्छे से बात कर पाएंगे। इसमें आपको 2GB और 4GB के 2 RAM ऑप्शन मिलते हैं, एंड 32GB और 64GB के 2 स्टोरेज ऑप्शन, और इसके 4/32 का प्राइस है 7000 रुपए, 4/64 का प्राइस आपको 8.5 से 9000 के बीच मिल जाएगा। पर यार इस स्मार्टफोन को आप Amazon या फिर माइक्रोमैक्स की ऑफिशियल साइट से ही ऑनलाइन परचेज करना। तो भाई अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले स्मार्टफोन की, और ये फोन उन लोगों के लिए है जिनको बड़ी बैटरी और बड़ी डिस्प्ले वाला फोन चाहिए, और वो फोन है इन्फिनिक्स स्मार्ट 5। ये फोन उन लोगों के लिए बेस्ट रहेगा जिनको वीडियोस ज्यादा देखनी होती है, या फिर आपको ऑनलाइन क्लासेस लेनी पड़ती है, या फिर आप ज्यादा ट्रेवल करते हो, क्योंकि इसमें आपको बड़ी बैटरी एंड बड़ी डिस्प्ले मिल जाएगी। सिक्योरिटी के लिए रियर माउंटेड फिंगरप्रिंट एंड फेस अनलॉक दोनों चीजें मिल जाती है, जो काफी डिसेंट वर्क करती है। 3.5mm का जैक भी इस स्मार्टफोन के अंदर आपको मिल जाता है, और यहाँ पर आपको 3 कार्ड स्लॉट का स्पेस मिलता है, और इसके मेमोरी कार्ड को आप 256GB तक एक्सपेंड कर सकते हो। अब बात करते हैं इस स्मार्टफोन के बड़े से थोपड़े के बारे में। यहाँ पर आपको 6.8 इंच की HD+ वाली डिस्प्ले मिलती है, जिसमें 60Hz का रिफ्रेश रेट एंड 120Hz का टच सैम्पलिंग रेट आपको मिल जाता है। भाई डिस्प्ले बड़ी है एंड रिफ्रेश रेट दिया हुआ है, तो हल्का सा स्मूथनेस इसकी डिस्प्ले में आपको देखने को मिलेगा। 6000mAh का बैटरा लगा है इस स्मार्टफोन के पीछे की तरफ, और यहाँ पर आपको डिब्बे में 10W का चार्जर मिल जाएगा, जो इस स्मार्टफोन को चार्ज करने में काफी ज्यादा टाइम लेता है। MediaTek Helio G25 का चिपसेट मिलता है, जो डे टू डे यूजेज में आपको काफी अच्छी परफॉर्मेंस देगा, बट यार गेमिंग के लिए डिसेंट है, ज्यादा अपर लेवल का नहीं है। इसके बैक में आपको 13+ लो लाइट के साथ बैक में डुअल कैमरे का सेटअप मिल जाता है, और फ्रंट साइड में 8MP का सेल्फी कैमरा दिया हुआ है। भाई कैमरा परफॉर्मेंस भी ज्यादा अपर लेवल की नहीं है, एक एवरेज लेवल का कैमरा इस स्मार्टफोन में आपको दिया हुआ है। 2GB की रैम मिलती है 32GB स्टोरेज के साथ, जिसका प्राइस है 7199 रुपए। और गाइस अगर आपको बड़ी बैटरी एंड बड़ी डिस्प्ले वाला स्मार्टफोन चाहिए 8000 के प्राइस पॉइंट में, तो इन्फिनिक्स स्मार्ट 5 आप लोगों के लिए एक बेस्ट डील है। तो भाई अब वीडियो में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उन लोगों के लिए जिनको एड्स बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो वो लोग मोटो E7 पावर की तरफ जा सकते हो। सिक्योरिटी के लिए रियर फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है, और इसमें आपको 3.5mm का जैक भी दिया हुआ है।
बट यार यहाँ पर आपको हाइब्रिड कार स्लॉट का स्पेस मिलता है, यानी कि इसमें आप एक सिम और एक अलग से मेमोरी कार्ड लगा सकते हो या फिर दो सिम यूज कर सकते हो। बट यार सबसे अच्छी बात यह है कि इसके स्टोरेज को आप 1 TB तक एक्सपेंड कर सकते हो। सो गाइस अब बात करते हैं इस स्मार्टफोन के मेन स्पेक्स के बारे में। इसमें आपको 6.5 इंच की HD+ वाली डिस्प्ले मिलती है जिसमें 60 हर्ट्ज का नॉर्मल रिफ्रेश रेट दिया हुआ है। भाई प्राइसिंग के हिसाब से डिस्प्ले क्वालिटी इसी स्मार्टफोन में आपको काफी ठीक मिल जाती है और HD+ डिस्प्ले को 8000 के अंदर बिल्कुल सही माना जाता है। यहाँ पर आपको 5000 mAh की बैटरी मिलेगी जिसको चार्ज करने के लिए 10 वोल्ट का चार्जर इसके डिब्बे में आपको मिल जाएगा और ये स्मार्टफोन 10 वोल्ट को ही सपोर्ट करता है। बैक में आपको 13+2 MP के साथ डुअल कैमरे का सेटअप मिलेगा और फ्रंट साइड में 5 MP का सेल्फी कैमरा दिया हुआ है। भाई वीडियो कॉल के लिए इसका सेल्फी कैमरा ठीक है, ज्यादा हाई क्वालिटी का नहीं है और अगर आपको कभी कभार एक दो फोटो क्लिक करनी होती है तो इसका कैमरा ठीक परफॉर्म करता है। इसमें आपको मीडियाटेक हीलियो G25 का प्रोसेसर मिलता है जो इस प्राइसिंग के हिसाब से काफी ठीक माना जाता है। 4 GB की रैम मिलती है 64 GB स्टोरेज के साथ जिसका प्राइस है 8,799 रुपए। बट अगर आप इस स्मार्टफोन को ऑनलाइन परचेज करोगे तो ये स्मार्टफोन आपको 7,000 के अंडर मिल जाएगा। अब बात करते हैं उन यूजर्स की जिनको एक पॉपुलर ब्रांड का फोन चाहिए, उनको इन्फिनिक्स एंड मोटो जैसी कंपनी पर ट्रस्ट नहीं रहता, तो आप लोग रियलमी C21 की तरफ जा सकते हो। ये फोन TUV रिनलैंड सर्टिफिकेशन के साथ आता है, मतलब बिल्ड क्वालिटी काफी जबरदस्त है। सिक्योरिटी के लिए रियल माउंटेड फिंगरप्रिंट मिलता है एंड फेस अनलॉक दोनों चीजें दी हुई है और यहाँ पर आप 2 SIM और एक अलग से मेमोरी कार्ड यूज कर सकते हो, यानी कि यहाँ पर आपको 3 कार्ड स्लॉट का स्पेस मिलता है। अब बात करते हैं स्पेक्स की, तो यहाँ पर आपको 6.5 इंच की HD+ वाली डिस्प्ले मिलती है जो वाटर ड्रॉप नोच के साथ आती है एंड इसमें आपको 60 Hz का नॉर्मल रिफ्रेश रेट भी मिल जाएगा। भाई डिस्प्ले क्वालिटी ठीक है, यहाँ पर आपको 5000 mAh की बैटरी मिलती है जिसको चार्ज करने के लिए 10 वोल्ट का चार्जर इसके डिब्बे में आपको दिया हुआ है। अब बात करते हैं इसी स्मार्टफोन के कैमरा के बारे में, तो इसके बैक में आपको 13+2+2 MP के साथ बैक में ट्रिपल कैमरे का सेटअप मिलता है और फ्रंट में आपको 5 MP का सेल्फी कैमरा दिया हुआ है। एंड भाई कैमरा परफॉर्मेंस ठीक है, एक नॉर्मल लेवल के फोटोज इस स्मार्टफोन के कैमरे से आप क्लिक कर सकते हो। अब बात करते हैं परफॉर्मेंस की, तो यहाँ पर आपको मीडियाटेक हीलियो G35 का प्रोसेसर मिलता है जिससे आप भाई हल्की फुल्की गेमिंग कर पाएंगे एंड डे टू डे यूजेज एंड मल्टीटास्किंग इसी स्मार्टफोन से आप इजिली कर पाएंगे। यहाँ पर आपको 3 GB की रैम मिलती है 32 GB स्टोरेज के साथ जिसका प्राइस है 8,499 रुपए। तो भाई अगर आपको एक पॉपुलर ब्रांड का स्मार्टफोन चाहिए तब आप लोग रियलमी C21 की तरफ जा सकते हो, नो डाउट काफी अच्छा स्मार्टफोन है। अब बात करते हैं लास्ट स्मार्टफोन की और वो है पोको C3। भाई ये स्मार्टफोन प्लास्टिक बैग के साथ आता है एंड यहाँ पर आपको फ्रंट में ग्लास की प्रोटेक्शन दी हुई है। बट यार एक बुरी बात लगी है मुझे इस स्मार्टफोन की कि इस फोन में आपको फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं मिलता और यहाँ पर आपको 3 कार्ड स्लॉट का स्पेस मिल जाता है और इसके मेमोरी कार्ड को आप 512 GB तक एक्सपेंड कर सकते हो। अब बात करते हैं इस स्मार्टफोन के स्पेक्स के बारे में। इसमें आपको 6.53 इंच की HD+ वाली डिस्प्ले मिलती है जिसमें पांडा ग्लास की प्रोटेक्शन दी हुई है। भाई डिस्प्ले क्वालिटी ठीक है एंड यहाँ पर आपको 60 Hz का रिफ्रेश रेट भी मिल जाता है। अब बात करते हैं इस स्मार्टफोन के कैमरा के बारे में, तो इसके बैक में आपको 13+2+2 MP के साथ बैक में ट्रिपल कैमरे का सेटअप मिलता है और फ्रंट साइड में आपको 5 MP का सेल्फी कैमरा दिया हुआ है। भाई कैमरा परफॉर्मेंस ठीक है, ज्यादा अपर लेवल की नहीं बताऊंगा। यहाँ पर आपको 5000 mAh की बैटरी मिल जाती है जिसको चार्ज करने के लिए इसके डिब्बे में आपको 10 वोल्ट का चार्जर मिल जाएगा। अब बात करते हैं इस स्मार्टफोन के प्रोसेसर के बारे में, तो यहाँ पर आपको मीडियाटेक हीलियो G35 का प्रोसेसर मिलता है जो इस प्राइस पॉइंट के अंदर काफी ठीक माना जाता है एंड काफी अच्छी परफॉर्मेंस इस स्मार्टफोन में आपको मिल जाएगी। डे टू डे यूजेस एंड मल्टीटास्किंग में कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाली। यहाँ पर आपको 3 GB की रैम मिलती है 32 GB स्टोरेज के साथ जिसका प्राइस है 7,499 रुपये और 4/64 का प्राइस है 8,499 रुपये। अब आप लोग अपने बजट के अकॉर्डिंग इन दोनों में से किसी भी एक रैम स्टोरेज वाले स्मार्टफोन को पिक कर सकते हो। तो भाई ये थे 8,000 वाले 5 सबसे बेस्ट स्मार्टफोन जिनमें आपको गेमिंग परफॉर्मेंस भी प्राइस के हिसाब से काफ़ी अच्छी मिल जाएगी एंड डे टू डे यूजेस एंड मल्टीटास्किंग के लिए भी ये सभी स्मार्टफोन आप लोगों के लिए बेस्ट रहेंगे। तो भाई अगर मुझे इन 5ों में से कोई एक स्मार्टफोन पिक करना हो तो मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या रहेगी, तो वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। भाई अगर मुझे इन 5ों में से कोई एक स्मार्टफोन परचेज करना हो तो मैं जाऊंगा माइक्रोमैक्स In1B की तरफ। पहली वजह यह है कि वो एक इंडियन स्मार्टफोन है और दूसरी उसमें आपको स्पेक्स भी काफी अच्छे मिल जाते हैं और इसी के साथ उसके बाद मैं परचेज करूंगा रियलमी C21 को। तो आप लोग बताइए आपको इनमें से कौन सा स्मार्टफोन बेस्ट लगा और कौन सा स्मार्टफोन आप यूज कर रहे हैं, वो आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताना। तो भाई आज की ये वीडियो हमारी यहीं पर एंड होती है। अगर आपको कोई भी डाउट है किसी भी स्मार्टफोन को लेकर तो वो आप लोग हमें कमेंट करके पूछ सकते हो। तो भाई अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टाटा गुड बाय।